हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगे 16 घंटे बाद 90 फीट गहरे बोरवेल में अटकी मासूम जिंदगी को माथाराम सुथार ने देसी जुगाड़ से बचा लिया तो खुशी से झूम उठा सांचौर। सांचौर क्षेत्र के लाचड़ी गांव में गुरुवार सवेरे करीब 10 बजे 90 फीट से कच्चे खोदे गए बोरवेल में गिरी मासूम की सांसें अटकी रही। इस दौरान प्रशासन का पूरा लवाजमा रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तैनात रहा। NDRF की 3 टीमें भी इस अभियान में लगी रही किंतु मासूम अनिल देवासी को बाहर निकालने में कामयाबी नहीं मिल रही थी। ऐसे में परिजनों के साथ साथ प्रशासन की भी सांसें अटकी हुई थी। आखिर 16 घंटे बाद रात्रि 2:24 पर बोरवेल में फंसे मासूम बालक को भीनमाल के मेड़ा निवासी माधाराम सुथार ने जब देसी जुगाड़ से मासूम बालक को बाहर निकाला तो सभी के खुशी से आंसू छलक पड़े। वहीं बालक के परिजन माधाराम को दुआएं देते नहीं थक रहे हैं। जिला कलेक्टर नम्रता वर्षिनी, पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह पुरी रात डेरा डाले बैठे रहे। जब बालक को बाहर निकाला तो उनके चेहरे पर जो खुशी देखने को मिल रही थी उसका कोई मुकाबला नहीं था। सर्च अभियान में जुटे टीमों का हौसला अफजाई के लिए घटना के बाद से लगे सांचौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दशरथ सिंह, DYSP वीरेंद्र सिंह, थाना अधिकारी प्रवीण कुमार, तहसीलदार देशलाराम परिहार, ब्लॉक CMO डॉक्टर OP सुथार, डॉक्टर दीपाराम चौधरी सहित पूरी टीम लगी हुई थी जिन्होंने लगातार खड़े रहकर रेस्क्यू टीम का हौसला बढ़ाया। वहीं इस पूरे अभियान में मासूम की जिंदगी को बचाने में लगे प्रशासन को व रेस्क्यू टीम के मनोबल को बढ़ाने के लिए भाजपा नेता दानाराम चौधरी, CA सत्येंद्र बिशोई, हाड़ेतर सरपंच दिनेश सिंह राजपुरोहित सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। जागरूक टीवी की सांचौर से विंजाराम डोड़ी की रिपोर्ट।